माघ की कथा। श्री गणेश चतुर्थी व्रत की पौराणिक कथा के अनुसार एक बार भगवान शिव तथा माता पार्वती नर्मदा के किनारे बैठे थे। वहां माता पार्वती ने भगवान शिव के साथ समय व्यतीत करने के लिए चौपड़ खेलने को कहा। शिव चौपड़ खेलने के लिए तैयार हो गए, परंतु इस खेल में हार जीत का फैसला कौन करेगा यह प्रश्न उनके समक्ष उठा। तो भगवान शिव ने कुछ तिनके एकत्र कर उसका एक पुतला बनाकर उसकी प्राण प्रतिष्ठा कर दी और पुतले से कहा, बेटा हम चौपड़ खेलना चाहते हैं, परंतु हमारी हार जीत का फैसला करने वाला कोई नहीं है, इसलिए तुम बताना कि हम तीनों में कौन हारा कौन जीता। उसके बाद भगवान शिव तथा माता पार्वती का चौपड़ खेलना शुरू हो गया। यह खेल तीन बार खेला गया और संयोग से तीनों बार माता पार्वती ही जीत गई। खेल समाप्त होने के बाद बालक से हार जीत का फैसला करने के लिए कहा गया, तो उस बालक ने महादेव को विजय बताया। यह सुनकर माता पार्वती क्रोधित हो गई और क्रोध में उन्होंने बालक को लंगड़ा होने कीचड़ में पड़े रहने का श्राप दे दिया। बालक ने माता पार्वती से माफी मांगी और कहा कि यह मुझसे अज्ञानतावश हुआ है, मैंने किसी द्वेष भाव से ऐसा नहीं किया। बालक द्वारा क्षमा मांगने पर माता ने कहा, यहाँ गणेश पूजन के लिए नाग कन्याएं आएंगी, उनके कहे अनुसार तुम गणेश व्रत करो, ऐसा करने से तुम मुझे प्राप्त करोगे। यह कहकर माता पार्वती शिव के साथ कैलाश पर्वत चली गई। एक वर्ष के बाद उस स्थान पर नाग कन्याएं आई। तब नाग कन्याओं से श्री गणेश के व्रत की विधि मालूम करने पर उस बालक ने 21 दिन लगातार गणेश जी का व्रत किया। उनकी श्रद्धा से गणेश जी प्रसन्न हुए। उन्होंने बालक को मनवांछित फल मांगने के लिए कहा। उस दिन उस बालक ने कहा, हे विनायक मुझ में इतनी शक्ति दीजिए कि मैं अपने पैरों से चलकर अपने माता पिता के साथ कैलाश पर्वत पर पहुंच सकूं और वे यह देखकर प्रसन्न हो। तब बालक को वरदान देकर श्री गणेश अंतर्ध्यान हो गए। इसके बाद वह बालक कैलाश पर्वत पहुंच गया और कैलाश पर्वत पर पहुंचने की अपनी कथा उसने भगवान शिव को सुनाई। चौपड़ वाले दिन से ही माता पार्वती शिव जी से विमुख हो गई थी, अतः देवी के रुष्ट होने पर भगवान शिव ने भी बालक के बताए अनुसार 21 दिन तक श्री गणेश का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से माता पार्वती के मन से भगवान शिव के लिए जो नाराजगी थी वह समाप्त हो गई। तब यह व्रत विधि भगवान शंकर ने माता पार्वती को बताई। यह सुनकर माता पार्वती के मन में भी अपने पुत्र कार्तिकेय से मिलने की इच्छा जागृत हुई। तब माता पार्वती ने भी 21 दिन तक श्री गणेश का व्रत किया तथा दुर्वा फूल और लड्डुओं से गणेश जी का पूजा अर्चन किया। व्रत के 21वें दिन कार्तिक स्वयं माता पार्वती जी से मिलने आ गए। उस दिन से श्री गणेश को चतुर्थी का यह व्रत समस्त मनोकामना की पूर्ति करने वाला व्रत माना जाता है। इस व्रत को करने से मनुष्य के सारे कष्ट दूर होकर मनुष्य को समस्त सुख सुविधाएं प्राप्त होती।